हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में। आखिर कब और कहां होगा कल्कि अवतार का जन्म? कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे। कल्कि अवतार तब प्रकट होंगे जब कलयुग अपने सबसे बुरे चरण में होगा, और वह कलयुग के अंत में अंधकार और अज्ञानता के इस युग में बुरी ताकतों को नष्ट करने और दुनिया में धर्म और धार्मिकता को वापस से बैलेंस करने के लिए प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभाला गांव में ब्राह्मण वॉरियर के रूप में होगा। उनके पिता विष्णु यासा और उनकी माता सुमति होंगी। उनकी दो पत्नियां होंगी, पद्मावती और रमा, और चार लड़के जय, विजय, मेघमाला और बलाहका। उनका एक देवदत्त नाम का सफेद अश्व यानी घोड़ा होगा, और उनकी तलवार का नाम होगा नंदका, और रत्न मरु एक वेपन होगा। वो मुकुट और बालिया पहने होंगे। कल्कि अवतार का मिशन उनको नष्ट करना होगा जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और दुनिया में भ्रष्टाचार और हिंसा फैलाते हैं। वो राक्षस कलि को भी पराजित करेंगे जो कलियुग में होगा। वो शांति और समृद्धि का एक नया युग स्थापित करेंगे जिसे सत्य युग या सत्य का युग कहा जाएगा। फिर वह राज्य अपने पुत्र को सौंप देंगे और हिमालय पर चले जाएंगे। कल्कि अवतार हिंदू धर्म में सबसे आकर्षक और रहस्यमय कॉन्सेप्ट है। वो बेहतर भविष्य की आशा और भगवान में विश्वास दिलाता है। कल्कि अवतार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको विश्वास है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।